हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग स्पेशली अपनी बाइक की थोड़ी सी कंडीशन बताने वाले हैं। अभी मैं रिसेंटली मैं 2-3 दिनों से अच्छा खासा लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अभी बाइक में थोड़ा सा मेजर इशू आ गया और जो इसका आगे का फेंडर है वो थोड़ा सा ढीला हो गया, नॉइज़ भी करने लगा ज़्यादा, पता नहीं क्यों क्या हुआ। एक्चुअली उस दिन एक बंदर भी इस पर बैठ गया था, मतलब बाइक पर बैठा था, तो पता नहीं शायद उसने ढीला कर दिया या कैसा भी क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हो सकता है क्योंकि अब थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने पर जो आगे का फेंडर है बाइक का वो वॉइस करता है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी सॉर्ट आउट कराएंगे चल के। तो अभी चलते हैं फटाफट से, बाइक का काम करा लेते हैं। और एक और काम यार अटका पड़ा है, मेरा हेलमेट का वाइज़र जो ढीला हो चुका है बहुत दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हेलमेट का वाइज़र हल्का सा टूट गया साइड से यहाँ से लॉक से, तो उसको भी फिक्स कराऊंगा और नया हेलमेट का वाइज़र शायद डलवाऊंगा मिल गया तो। तो देखते हैं, आप लोगों को भी आइडिया लेने के लिए, आप जो भी भाई लोग बजाज पल्सर M160 ले रहे हैं या फिर चला रहे हैं, तो उनको भी आइडिया के लिए आप वीडियो देख लो, हो सकता है आपको भी कुछ आइडिया से एक्सपीरियंस मिल जाए कि भाई किस तरीके से आप बाइक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना फुल एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो फटाफट से चलते हैं और सारा काम करा लेते, जल्दी से निकलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, लेट्स गो। बाइक पे आ चुके हैं फाइनली हम लोग और चलते हैं पहले बजाज सर्विस सेंटर, वहाँ पे इसका फेंडर कवर करा लेते हैं चल के, और फेंडर का प्रॉब्लम सॉल्व कराने के बाद अपने को हेलमेट का वाइज़र देखना है, मिल गया तो फिर सही है। पहले बंद क्यों हो रही है बाइक, दो काम करने, 11 बजने वाले हैं और काम दो पड़े हैं। ये देखो वाइज़र फेंडर की आवाज़ आ रही है आगे से, खट से आवाज़ आती है, तो बहुत बहुत इरिटेट करता है। और बाइक से आवाज़ आना शुरू होना अच्छी बात थोड़ी ना यार, और ये पता है मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि जो बंदर चढ़ा था उसने कर दिया होगा काम, या फिर हो सकता है कि ऑफ रोडिंग करने से हो गई हो प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी की गलती नहीं है, पता नहीं चला तो ऐसे ही नहीं कह सकते, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से इसको सॉर्ट आउट कराते हैं। नाइस, बाइक अच्छी चल रही है, आज मैं इसको फिर लॉन्ग ट्रैवल के लिए कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इस बाइक को अच्छे से कॉलेज के लिए ले जाता ही रहता हूँ, तो मुझे माइलेज ओके ओके मिल जाता है, और मेरा कॉलेज यही 46 किलोमीटर पड़ जाता है वन साइड, तो 80 किलोमीटर अप एंड डाउन करना पड़ जाता है मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत सही है, और मैं रेगुलर कॉलेज जाता भी नहीं हूँ, मतलब नॉट एज रेगुलर, कभी कभार चला जाता हूँ, तो इसके लिए मैंने लिया था कॉलेज के लिए इस बाइक को लिया था। और यूट्यूब चैनल तो ऐसे ही खोल दिया, देख रहे हो इनको चल रहा है यूट्यूब चैनल आप लोगों की दुआ से, तो बस चला रहे हैं। पे होप ज़्यादा बाइकें ना आ गई हों, क्योंकि कल था हॉलीडे, कल था 15 अगस्त, इसलिए सारा हॉलीडे चल रहा था और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए सारे बाजार सर्विस सेंटर सब बंद थे, सारी शॉप्स बंद थी, तो जो मैं कहाँ से वाइज़र भी लगवा देता, तो आज सारे काम एक साथ कराने पड़ेंगे। बट सबसे मेन काम है इसका फेंडर का काम, वो करवाऊंगा, उसके बाद वाइज़र वाइज़र तो होता रहेगा, वाइज़र अगर मिल गया तो बहुत सही है, नहीं मिला तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, एटलीस्ट देख लेंगे कि हाँ ठीक है वाइज़र का। अरे यार ये देखो, थोड़ा उधर थूक लो भैया, बीच में थूक दोगे क्या हम पे, कहते ही नशा वसा करें क्या, पहले थूकता है फिर नशा करके बाइक चलाता है, देख रहा है कि इतनी छोटी बाइक है साइड साइड तब भी पास में काट रहा है, कमाल करते हैं। मैं इसको अभी कल उस दिन लखनऊ लेके गया हूँ ना कुछ दिन पहले, तो बहुत तगड़े से ऑफ रोडिंग भी हुई है, स्पीड में भी लेके गया हूँ, तो हो सकता है कि इसके चक्कर में फेंडर लूज़ हो गया हो और वॉइस करना शुरू कर दिया हो, या कुछ और इशू हो सकता है। वैसे जो यहाँ का बजाज है वो ठीक काम करता है, मतलब सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट अच्छी कर देते हैं। अरे भाई ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट क्या था, सरिया सरिया पड़ी है। मैम से बात हुई थी मेरी यहाँ पे फेंडर को लेके, बात हुई थी ये बहुत हिल रहा है तो उसको टाइट करवाना। अरे यहाँ तो काम चल रहा है यार, यहाँ खड़ी करने निकालेगा कौन, कैसे यहीं लगा दें, निकाल लेगा कोई। अरे कंस्ट्रक्शन चल रहा पूरा पूरा, ये कौन सी भाई है यही से देखे जा रहे हम लोग। अरे भैया हम अभी मैम से बात हुई थी मेरी, तो मेरी बाइक का जो फेंडर है ना आगे का वो हिल रहा है ऑफ रोड में, अब खट खट कर वॉइस कर रहा है, तो मैंने बोला टाइट करवा देंगे, तो किसी को भेज दो 10 मिनट के लिए टाइट कर दें।
ये तो है, फेंडर पर टाइट कर दो यार, ढीला बहुत हो गया है। आज वैसे बाइक बहुत आ गई सर्विस के लिए, आज तो ज़्यादा काम नहीं हो पाएंगे, बस फेंडर टाइट करवा लेते हैं। ये क्या इधर क्या बनना है? अरे ये सही है, हो जाए काम, फिर यहीं से सारा काम कराया करेंगे। ये ज़रा सा भी ऑफ रोड करने पे ये ठक 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 करता है, तो इसको ज़रा नहीं, ये पहले ढीला नहीं था, पहले ऑफ रोडिंग करते थे, ज़रा सी वॉइस नहीं करता, अब हल्के से भी गड्ढे में जाता है खट से बोलता है। इसको ज़रा देख लो, रुको लॉक लॉक खोल देते हैं, डबल स्टैंड लगा दें यार। ये तो बहुत लग रहा है, अगर फेंडर नहीं सही हुआ तो चेंज ही कराना पड़ेगा। इधर ये वॉशिंग एरिया बनना है, बहुत सही वॉशिंग एरिया हो जाएगा, तो बाइक आके धुल जाएगा कहीं इधर ही। ये E20 वाली है, पल्सर 760 E20, बट मीटर का एनालॉग अभी वैसे ही सेम दे रहे हैं, बाकी सब अच्छा है। की कहाँ रही है सबसे बेस्ट थिंग, फ्यूल इंजेक्शन। N160 का जो लुक था ना थोड़ा एग्रेसिव था, NS60 का जो NS160 है ना उसका लुक थोड़ा एग्रेसिव है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। अगर ये टाइट करने से सॉल्व नहीं होता है तो क्या किया जाएगा फिर आखिरी? फेंडर चेंज कराएं क्या हम? तो फिर क्या करें, अगर फिर भी वॉइस करता है तो क्या करें इसका? अच्छा चलो, अभी तो हम बालम हो जा रहे हैं आज, तो 2 बजे निकल, और हैंडल के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये इसका क्या करें? हाँ बहुत 50-60 पे छोड़ता हूँ हैंडल, तो ऐसे से होता है, कुछ कर सकते हो? हैंडल के वाइब्रेशन फिक्स हो जाएं, सही हैंडल सही है। चलो चलो ठीक है, चलो आज तो काम, आज का काम निपटा लेते हैं, मतलब आज काम चला लेते हैं, क्योंकि अपने को जाना है कॉलेज, टाइम ज़्यादा नहीं है, किसी टाइम आराम से आएंगे तब सारा काम करवाएंगे इसका। अब बस ये देखना है कि फेंडर थोड़ा ढीला हो गया था टाइट हो जाने के बाद, एटलीस्ट वॉइस कम करें। चलो टेस्ट आउट करते हैं, देखते हैं उसने भाई कुछ टाइट तो किया है नहीं। अब वॉइस करनी आ रही नहीं, नहीं वॉइस चली गई, सही है यार वॉइस चली गई। मुझे लग रहा है वही हल्का सा ढीला हो गया था, वही वॉइस कर रहा था, उसने टाइट कर दिया भाई ने, मस्त एकदम। अब थोड़ा बहुत तो हो जाएगा सही, बाकी किसी दिन खोल के पूरा सही करना पड़ेगा। चलो एक काम तो सॉल्व हो गया वैसे फेंडर का, अब इसका अगर फिर से वॉइस करेगा तो हो सकता है कि नट चला गया, तो उसको फिर चेंज कराएंगे अगर सही हो जाता है तो, वरना देखते हैं। अभी तो रोड पे चलाऊँ तो वॉइस नहीं करेगा, जैसे ही ऑफ रोडिंग आएगी ना ऐसे ही खट खट ऐसे आवाज़ आती है, तब इरिटेट करती है। और इस हेलमेट का वाइजर चेंज कराता हूँ चल के फटाफट। वॉइस आ रही भाई, वॉइस नहीं गई, थोड़ी सी कम हुई है, दिखाना ही पड़ेगा। पहले इसको यहाँ से दिखा लेता हूँ, इसका हेलमेट का वाइजर, ये हेलमेट का वाइजर होगा क्या? फ़ोन किया था मैंने, है लगा दो, यही कलर चाहिए। तो फाइनली हम लोग ये वाइज़र चेंज करा रहे हैं, ये टूटा हुआ है वाइज़र, ये नया वाला वाइज़र है जो वेगा का ही पड़ा है, हम लोगों को अच्छे से लग जाएगा, लॉक के साथ लगता है, सबसे बेटर ये रहता है कि इसमें लॉक दिया गया होता है। अब ये इसमें सेट हो जाए बेटर है। फाइनली भाई अपने को वाइज़र मिल गया है, और वाइज़र नया डलवा दिए इसमें, एकदम चकाचक लग रहा है। तो वाइज़र देख रहा हूँ नया लग गया, एकदम चकाचक साइन कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी नया वाइज़र लगवाया इसमें। और जो हेलमेट का जो माउंट का प्रॉब्लम था, ये एकदम टाइट हो गया, एकदम फिट अच्छे से हो गया। और जो मैंने पुराना वाइज़र था वो रख लिया है, इसका प्राइसिंग पड़ा है 250 का मेरे को, तो सही है, ओके ओके हेलमेट है। और वेगा का ही लगवाया क्योंकि वेगा का ही लगना ज़रूरी था। तो अभी चल रहे हैं हम लोग कॉलेज के लिए, फटाफट से निकलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते। वाइज़र नया लग गया तो अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बेटर लग रहा है। वो बंदा कह रहा है जल्दी बाइक लो भैया दूसरी, और ऐसी बाइक लो हरदोई में जैसी हो ना। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, अभी इतने जल्दी कहाँ कमाए हैं पैसे, जो बाइक ले लें बढ़िया सी। बट भाई ने विशेष बोली हैं तो लग सकती है इसकी दुआ, और जल्दी ही दूसरी बाइक आ भी सकती है अपने पास। A few moments later. Finally, अपने हेलमेट चेंज करा लिया, और बाइक का फेंडर का वर्क थोड़ा सा हो पाया एटलीस्ट। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग, अभी शाम को अगर मुझे टाइम मिला तो शाम को विजिट कर लूँगा, या फिर मैं कल जा पाऊँगा। तो अभी तो इतना वर्क हो गया फाइनली, और इतने से ही मतलब अभी काफ़ी ठीक हो चुकी कंडीशन, बट एटलीस्ट वॉइस आना कम हो गई है। और इसको पूरी तरीके से अभी सॉल्व नहीं किया गया, हो सकता है कल तक सॉल्व हो जाए, मैं कल सॉल्व करा लूँगा इसको, ठीक है। और बिना वॉइस सॉल्व करे मैं तो ऑफ रोडिंग करने वाला नहीं इस बाइक से, तो मैं तो पूरा डिसअपॉइंट हो जाऊँगा इस बाइक से। तो एटलीस्ट हम लोग इसको फिक्स कराएंगे जल्दी से जल्दी जाके। और मैंने भी बोल दिया है उससे बंदे से कि भाई आज तो बहुत बाइक का रस था, तो उतना टाइम था नहीं उसके पास कि स्पेशली इसी में थोड़ा टाइम दे। तो कल वल हो सकता है उसके पास टाइम होगा तो अच्छे से इसको टाइम दे सकते हैं, बाइक को अच्छे से इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, समझ रहे हो, जो चीज़ इसको प्रॉब्लम हुई है वो इसको ठीक कर सकते हैं। सो गाइज यही था इसका वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी मिलते हैं अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दैट्स इट फॉर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।